पुलिस अधीक्षक महाराजगंज रोहित सिंह सजवान के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक महाराजगंज आशुतोष शुक्ला के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नौतनवा राजकुमार साव के नेतृत्व में दिनांक 3 सितंबर 2019 दिन मंगलवार को सुबह करीब 4 बजे नौतनवा थाना प्रभारी निरीक्षक यदुनंदन यादव के अगुवाई में उप निरीक्षक गौरव यादव अपने हमराहियों के साथ मुखबिर की सूचना पर नौतनवा थाना अंतर्गत नेपाल से सटे कुरबाहा गांव में एक गोदाम में छापेमारी के दौरान अवैध तरीके से छिपाई गई 119 बोरी नेपाली मटर, 6 बोरी खाद और 20 बोरी पाकिस्तानी छुहाड़ा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी बेचन यादव, पुत्र लल्लन यादव, इंदन यादव, पुत्र स्वर्गीय भोनाथ यादव, रामबचन यादव, पुत्र संतराम यादव, दयाराम यादव, पुत्र स्वर्गीय भोनाथ यादव, जो कि मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। क्षेत्राधिकारी नौतनवा राजू कुमार साव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस मामले में जो भी आरोपी है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और लगातार छापेमारी कर तस्करों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा। सर, किस तरह की बरामदगी की गई है, किस तरह की सूचना मिली थी और क्या बरामद? देखिए, क्षेत्र में लगातार अवैध तरीके से तस्करी का सूचना मिल रहा था, खाद और विदेशी मटर इत्यादि का। तो इस दौरान सूचना प्राप्त हुआ, कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रहा था। तो कल जो बीती रात है, हम लोगों ने दो थाने के फोर्स सिनौली और नौतनवा फोर्स सम्मिलित रूप से करमावा खुर्द संपतिया चौकी क्षेत्र में गांव है वहाँ हम लोगों ने दबिश दिया और 4 लोगों के घर के बाहर जो बालकनी है वहाँ से तकरीबन 120 बोरी मटर और 20 बोरी छुहाड़ा और 6 बोरी खाद मिला है। मौके पे घर के लोग नहीं थे, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और तमाम जितने भी तस्करी के माल है हम लोगों ने पकड़ रखा है, कार्रवाई की जा रही है और आगे भी हम लोग इस तरीके से कार्रवाई करेंगे। किस तरह की सूचना थी, कहाँ से ये लाया गया था, कहाँ ले जाना? इसमें सूचना कई दिनों से प्राप्त हो रहा था, जो कमावा खुर्द गांव है, जो नेपाल राष्ट्र से सटा हुआ गांव है, तो सूचना प्राप्त होती थी कि उधर बॉर्डर के रास्ते नेपाल से इन सामानों को लाया जाता है और बीती रात इसको तस्करी के रूप में अन्य जगहों पर भेजा जाता है। सूचना कई दिनों से प्राप्त हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने योजना बनाकर इसमें सरकार की। कितने का माल है और क्या कर रहे हैं? अभी तक जितना माल हम लोगों ने पकड़ा है, अनुमानित रूप से उसका 7 लाख लगभग कीमत आंका गया है। सभी माल को जब्त कर लिया गया है और जो जिनके घरों को मिला उनको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है और आगे कार्रवाई की जाएगी।